नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमेश, स्वागत है आप सभी का वी मेक लीडर्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रू फैक्ट बताने वाला हूं, जो बहुत ही छोटी चीज है लेकिन अगर आप इसको सही से नब्स पकड़ ली ना आपने तो आप वायरल होने में टाइम नहीं लगेगा। और मैं बताऊं आपको, कोई ब्लैक इंडिया में बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं लेकिन उनकी वीडियो पे सिर्फ 3,000-4,000। मैं आपको बता दूं, अगर आप बात करेंगे फ्लाइंग बीस्ट की, देखिए कितने पॉपुलर क्रिएटर्स हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जैसे सिनेमेटोग्राफी वो करते हैं, एक बार को अगर कंपटीशन में ये नहीं कहूंगा कि वो कम बनाते हैं अच्छा बनाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे क्रिएटर्स मैंने देखे हैं जिनके चैनल पे से 3,000-3,000 व्यूज होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और वो पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाते। सिर्फ कंटेंट बनाना ही एक मोटो नहीं है, साथ में आज के वीडियो में मैं बताऊंगा वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स। देखिए अभी जेसीबी वाला चल रहा था, सारे लोग वही वीडियो बना रहे हैं जेसीबी की। आप आज से, मैं आपको एक प्रूफ देता हूं, आज से लेके 10 वीडियो जो आपकी हैं वो सिर्फ होनी चाहिए ट्रेंडिंग के ऊपर। ट्रेंडिंग का बहुत बड़ा खेल है। आपको वो जो श्रुति आनंद जो एक लड़की थी, एग्जैक्ट नेम मेरे को अभी माइंड में नहीं है, इसने वो आंख मारने वाली वीडियो बनाई थी, वो वीडियो वायरल हुई और वो लड़की रातों रात मिलियंस ऑफ इंस्टा पे उसके फॉलोअर हुए। आपको लगा चलो आंख मारने से वीडियो बन गई, नहीं, दिस इज आवर ट्रेंड। आजकल ना वायरल करने का भी एक ग्रुप बैठा हुआ है जो कि इंटरनेट पर रहता है। बहुत सारी फिल्म कंपनियां अपने अपने फिल्म में कुछ ऐसे मूव्स लेके उनको देती है कि भाई इस चीज को पोज को लेके वायरल कर दो, हम तुम्हें इतना पैसा देते हैं। वो मीम्स बना के उस चीज को वायरल कर देती है। कई बार ये पेड होता है, कई बार कुछ चीजें ऐसी वायरल हो जाती है, जैसे जेसीबी वाला वायरल हो गया क्योंकि जेसीबी की खुदाई, मतलब मीम्स कुछ है ऐसे जो जिसको चाहे वायरल कर सकते हैं। आप इसी को समझिए, आपको खेल नहीं पता होगा, मैं तो बैठ के लोगों से सुनता हूं और देखता हूं कि ये पूरा एक मार्केट है। फिल्म को प्रमोशन करने के लिए वायरल की जाती है सारी चीजें, इन चीजों में कुछ ऐसे वायरल। तो आज से चाहे वो जेसीबी का टॉपिक हो या आने वाले किसी भी टॉपिक, वो कहते हैं ना बैठ के वो कुकर वाला आया था बीच में, वो भी बड़ा वायरल हुआ। आज से लेके आपकी 10 वीडियो, अगर आप व्लॉगर्स हैं, कंटेंट जो भी कंटेंट हो आपका किसी भी टॉपिक पे, आप वायरल पे 10 वीडियोज बनाइए। 10 वीडियोज में मैं गारंटी देता हूं कि 2 वीडियो आपकी वायरल होगी और ये मेरा वादा है आपसे। नहीं हो तो कमेंट में आके बोलना कि भाई तूने बताया और वायरल नहीं हो, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक हर कोई चाहता है, हर कोई सर्च करता है, हर कोई उसके बारे में अवेयर होता है। जैसे अभी पबजी का डाल दो, ये ऑल ओवर ट्रेंडिंग है अभी, मतलब कुछ एक आध साल से ये बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है मार्केट में। उसके बाद बीच में टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई आया, अभी टी सीरीज ने लाइक अपने 100 मिलियन क्रॉस कर लिया और PewDiePie के 96, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए वो बंदा तो मंदबुद्धि था ही पहले से, बुद्धि नहीं है, बचकाना हरकत है। टी सीरीज ने आज तक उसको जवाब नहीं दिया और उसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर नहीं कह सकता, अभी जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जिनके बेटे हैं गुलशन कुमार के, उन्होंने क्या कहा कि वो बचकना कर रहा है तो हम भी क्या गाना वाना बना के उस पर क्या रैप कर देते, नहीं हमने नहीं किया उसको क्योंकि हमने वो मैच्योरिटी दिखाई, उन्होंने अपने एक News18 के इंटरव्यू में कहा था जो मैं सुन रहा था। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। लेकिन हाँ, अगर ये टॉपिक ट्रेंडिंग है इसके ऊपर जवाब जरूर दीजिए। जिन लोगों ने जवाब दिया आपने देखा होगा उनकी वीडियोस मिलियंस में गई, इनसे उनका एक प्रोस्पेक्टिव भी निकला कि वो भी एक लाइक कंफर्ट जोन से बाहर निकले, उसको जवाब दिया और खुद की वीडियो भी हिट हुई तो लोगों ने उसको भी जाना। तो जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं मैं बताऊंगा, अगर आप न्यू क्रिएटर्स हैं, नए क्रिएटर्स हैं तो वीडियो बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको बताऊं, जो आपने स्टार्टिंग में सुना हमारा कोर्स था, मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं स्टार्टिंग से कुछ, हमने एप्लीकेशंस के साथ टाई अप करा है जो कि स्टार्टिंग से उनको अच्छा स्पॉन्सरशिप देगी। हमारे कोर्स की इतनी प्राइस नहीं है, उससे 3 गुनी प्राइस वो 1 महीने में कमा सकते हैं, ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं। तो जल्दी से दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, स्पॉन्सरशिप आपको जब जैसे ही कोर्स ज्वाइन करेंगे एंड चैनल बनाएंगे, आफ्टर दैट आपके चैनल बनने के बाद ही सारी डिटेल्स हो जाएगी। दोस्त मैंने काफी समय, दिन भर अगर मैं एक वीडियो महात्मा की टेक्निकल के बनाता हूं मुझे मुश्किल से लगता है 1 घंटा, क्योंकि आधे घंटे में मैं कोई एक बुक्स पढ़ रहा हूँ, कुछ नई नई चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लिए वहां से, उसके बाद थोड़े रिसर्च कर लिया, वीडियो बना के मैं दे देता हूँ, बाकी टीम बैठ के मेरा सारा काम करते हैं। दिन भर मैं इन्हीं चीजों पर रिसर्च करता रहा हूँ कि कौन सा चैनल क्या चल रहा है, क्या बनाना चाहिए लोगों को, कॉन्टेंट पर क्या काम करना चाहिए, इन्हीं चीजों पर मैं दिन भर बैठता रहता हूँ। और उसका मेरे को बेनिफिट मिला है कि एटलीस्ट जब भी मैं वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, जो आप वर्कशॉप की पिक्चर्स और वीडियोज देख रहे हैं अभी, जब भी मैं वहां पर वर्कशॉप अटेंड करता हूँ तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। 2-2 दिन की वर्कशॉप, 2 दिन में जाके लोगों को सिखाता हूँ कि किस तरीके से उनको चैनल को ग्रो करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, और लोग बहुत खुश होते हैं। टेस्टिमोनियल आपने ऑलरेडी देखा होगा विमेकर की कई वीडियोस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फॉर्मूला जो है वायरल होने का, कि ट्रेंडिंग टॉपिक 10 वीडियो टारगेट। मैं आपको बताऊं, जो फ्रॉड करते हैं ना कॉल, जो लोग बोलते हैं कि हेलो सर आपका लाइक अकाउंट बंद हो गया, अकाउंट अच्छा तो कुछ लोग नहीं देते हैं, कुछ लोग दे देते हैं अपना अकाउंट नंबर, उनका टारगेट एक बंदा नहीं होता, उनका टारगेट 1,000 लोग होते हैं। वो 1,000 का एक डेटा रखते हैं कि इन 1,000 में किसी एक बंदे को फुद्दू बनाना है, वो 1,000 कॉल करते हैं, एक ना एक बन ही जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एक को टारगेट था, उसका टारगेट 1,000 थे उनमें से कोई एक,
इसीलिए आपके ट्रेंडिंग वीडियो 10 होनी चाहिए, उसमें से एक या दो जरूर हिट होगी, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद आप सेम कंटेंट बनाने लगे, देखिए लोग कैसे आप पे आपके तरफ आते हैं, लोग आपको पॉपुलैरिटी देते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे। और सतीश भाई ने अपना एक इंटरव्यू लिया था, हमारे ऑफिस में आए थे वो, और बहुत जबरदस्त इंटरव्यू शूट हुआ, मैं भी कई बार देख चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, कमेंट भी पिन कर दूंगा, जाके वो देखना मेरा इंटरव्यू, और काफी मजेदार होगा, बढ़िया लगेगा। तो दोस्त यही थी बातें, और आपसे किस, अगर मैं सोच रहा हूँ कि Udacity के काफी ट्यूटोरियल्स मैं वहां से डाल दूं, उसके बाद वीडियो स्क्राइब के कुछ ट्यूटोरियल डाल दूं, फिल्मोरा के डाल दूं, और भी चीजें कि लाइक व्लॉगिंग कैसे करना चाहिए, कैमरा कौन सा लेना चाहिए, जो मेरे गियर्स हैं काफी, अभी जैसे इस साइड से मेरी लाइटिंग देख रहे होंगे तो वो कौन सी लाइटिंग यूज करता हूं मैं, सामने कौन सी लाइट है, कैमरा कौन सा है, कौन कौन से माइक है, जूम माइक के बारे में क्या, जो अपने पास सारा इक्विपमेंट है सबका रिव्यू करूंगा, तो कमेंट में यस लिख देना। और अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना, जहां पे इतने लोग बेनिफिट ऑलरेडी ले रहे हैं, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने 10 वीडियोस ट्रेंडिंग पे बनाया तो आपकी वीडियो लाख से ज्यादा क्रॉस जरूर होगी, ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।